ये देखो हम लोग अरुणाचल का कैपिटल का रास्ता कितना बढ़िया है। यहाँ से पीछे भी बंदरद्वार से पूरा ऐसा रास्ता है, पता नहीं हम लोग सेम सब देखता है कि नहीं देखता है ना, हेलीकॉप्टर से जाता है क्या, कितना भयानक बाउंसिंग होता है गाड़ी में। ये देखो एक अच्छा रास्ता नहीं है, पहले ही रास्ता अच्छा था, अभी तो ये वाव। सेम साहब आप भी देखो कैसा है रास्ता हम लोग अरुणाचल का मेन कैपिटल का। जब कैपिटल ऐसा है तो बाकी डिस्ट्रिक्ट को तो क्या हालत करके रखा होगा। कहीं भी रास्ता अच्छा नहीं है बिल्कुल, यहाँ भी गड्ढा। पता नहीं क्या कर रहे सीएम साहब, शायद हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे क्या पब्लिक लोगों ना ऐसा रास्ता में चलाने के लिए। या फिर सीएम साहब ये गैरेज वाला लोग को मदद कर रहा होगा ताकि गाड़ी खराब होने के लिए फटाफट गाड़ी खराब होगा गैरेज जाना पड़ेगा, गैरेज वाला का कमाई होगा। अच्छा आइडिया है सीएम साहब का, ये देखो खत्म ही नहीं होता ये रास्ता। मेन कैपिटल है ये जगह, देखो आई एस टी थी। ये भी हालत खराब है, पूरा रस्टिंग हो के पूरा सर के अंदर तो और कीचड़ प्लाट आके बैठा हुआ है। और यहाँ भी देखो और एक कुआ है, पूरा मेन रोड के साइड में रास्ता तो क्या रोड है। और साथ में पब्लिक लोग भी बहुत बुद्धू है ना क्या है पता नहीं। और यहाँ भी देखो इतना बड़ा बड़ा गद्दा, ईटानगर का फोर लेन भी इतना गतिया बनाया है कि पता पत खराब हो ही रहे अभी से। और उसको पहले सीएम साहब पहले बोला था कि ये सितंबर 2019 को कंप्लीट कर देगा रोड, ऐसा बोल के नहीं हुआ, गायब हो गया वो, कुछ जवाब अब नहीं दिया। आदमी लोग भी थोड़ा सा तो आदमी बोल रहा था क्या हो गया सितंबर तक करेगा बोल के, अभी इतना पार हो गया बोला है। पर भी एक साल का बाद उसका सितंबर 2019 से फिर 2020 आ गया, उसमें भी कुछ जवाब नहीं। जब 2021 पहुंचा है ऐसा हो गया, अभी वो लोगों को पता हो गया रास्ता तो कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें चालू से क्या कर दिया सीएम साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिया कि अभी हम चैलेंज करेगा कि इतना महीना के अंदर में पूरा पप्पू नालंदा हाईवे कंप्लीट कर देगा, वो चैलेंज किया, नहीं तो रिजाइन कर देगा। जो कि पहले से वो कर चुका है, पहले उसको कंप्लीट करना था असली में 2 साल पहले कंप्लीट करना था, पर भी इतना लेट हो गया, 2 साल लेट हो गया। उसके बाद चैलेंज जब बनने वाला है तब चैलेंज कर रहे कि रास्ता बन जाने से इतना तक अगर ये 3 महीना का अंदर में रास्ता नहीं बनाया से रिजाइन कर देगा हल्के बोला है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता था 3 महीना तक आराम से बन जाएगा क्योंकि 4-5 साल लग चुका था। उसके बाद जैसे 3 महीना में कम्प्लीट हुआ है लेकिन अच्छा नहीं, रोड का क्वालिटी ऐसा घटिया बना है। पर भी बुद्धू आदमी लोग पूरा वाह सीएम साहब अपना प्रॉमिस निभाया, ऐसा बम फोड़ रहा था पूरा। ऐसा बुद्धू आदमी लोग कहाँ से आते पता नहीं, इतना समय से चुतिया बना के रखा है उसमें कुछ नहीं बोला है। एक बार जब बनने वाला था तो बनने से पहले एक बार बोल लिया
हो गया पूरा। सीएम साहब अपना प्रॉमिस निभाया है। सकते हैं रे आदमी लोग भी, ये रास्ता लोग भी देखो कैसा है, कब बनेगा। वैसे भी अभी ईटानगर का जो फोर लेन बना है वो तो टूट ही रहा है, खराब हो ही रहा है, तो ये भी बनने के लिए लग जाएगा होगा 10-20 साल। उसके बाद तब तक तो वो ईटानगर का रास्ता फिर ऐसा हो जाएगा। तो इससे ये करना है कि हम लोग जो ईटानगर जो हम लोग रहता है, कभी होप नहीं रखना है कि अच्छा से ईटानगर से बढ़िया से बिना गद्दा गुद्दी का, बिना तकलीफ का, बंदर दुआ वो सब तक पहुंच जाएगा, ऐसा कभी सपना नहीं देखना है हम लोग ईटानगर नार लगन के रहने वाला लोग। ऐसा सपना गलती से भी नहीं देखना है, क्योंकि पूरा कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी ईटानगर का खराब होने वाला है नया जो बना है तो, और ये तो बना भी नहीं अभी तक, और यहाँ देखो कैसा चल रहा है बाइक, गिरने गिरने हो गए। ये क्या है, ये कैपिटल का रास्ता है क्या? बस्ती उस्ती साइड में भी इससे ज़्यादा अच्छा रास्ता होता होगा। अरे ये वाह, एकदम बाउंसिंग मार मार के। ये रास्ता भी अभी 10-20 साल लग रहा है, और जो अभी बेंगती नाली में बन रहा है उसको भी बोला था 3 महीना में खत्म करेगा, लेकिन 3 महीना से ज़्यादा हो गया, कुछ जवाब हुआ अब नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अभी उसको भी लगाएगा 1-2 साल लगाएगा, इतना लेट करेगा, लेकिन जब तक बनने वाला होगा कि अभी चलो होने वाला है, बस थोड़ा सा काम बचा है, तब जाके सीएम साहब आके बोलेगा कि हम इसको इतना में इतना दिन के अंदर कंप्लीट करेगा, नहीं तो रिजाइन कर देगा, ऐसा बोलेगा। और वो समय में कंप्लीट हो भी जाएगा तब लोग पागल हो जाएगा, फिर वाह सीएम साहब फिर से अपना प्रॉमिस निभाया है, हल्के बोम वोम फोड़ना शुरू हो जाएगा। उससे पहले कितना है, क्या है, वो है कुछ मतलब ही नहीं है आदमी किसी को। यहाँ भी किचड़ पूरा, सीएम साहब का और नीचे का चमचा लोग हर जगह न्यूज फैलाएगा, सीएम साहब अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, सीएम साहब अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। 10-20 साल ऐसा प्रॉमिस हर कोई कर देगा आराम से, कुछ चीज बना रहे। बहुत आराम से सो के सोएगा, दिन में बस एक थोड़ा सा काम करेगा फिर सोएगा, ऐसा कर करके 20 साल लगा देगा एक 2 महीना का काम को। उसका 20 साल होने से एक दिन पहले बोल देगा कि ये कल इसको हम खत्म कर देगा, हल्के प्रॉमिस कर देगा, तो हो गया कल खत्म। उसका बाद लोग ताली बजाने शुरू हो जाएगा। ये है अरुणाचल स्टाइल, और ये रास्ता देखो कितना दूर से हम आ रहे हैं, पूरा वहां से निर्जुली से होके आ रहे हैं, एक बार भी थोड़ा आराम से होके नहीं देखा, पूरा बाउंसिंग मार मार के ही आ रहे हैं। और रास्ता का हालत तो देखो आप लोग कैसा है, पता नहीं कभी भी बनेगा कि नहीं बनेगा ना, क्या है। दूसरा स्टेट का रास्ता भी ऐसा ही है क्या, ये करोड़ों स्पीड ब्रेकर बाहर, पता नहीं दूसरा स्टेट लोग का तो शायद रास्ता तो अच्छा है लगता है, बस अरुणाचल में ही ऐसा क्यों है। यहाँ में सेंट्रल से पैसा अच्छा से नहीं देता है ना, यहाँ का काम करने वाला लोग अच्छा नहीं है ना, यहाँ पैसा को अपना जेब में डाल लेता है, पता नहीं बनना चाहिए ऐसे बोलने से। कैपिटल का रास्ता है, इमरजेंसी में भी यूज होता है इतना, ये सब देखो आप। लेकिन ऐसा होने देखे भी इतना जाम होगा, थोड़ा सा भी गाड़ी हिलने जगह नहीं है, लेकिन पीछे से आएगा कोई वीआईपी वाला सायरन मार के, जबरदस्ती जगह नहीं है तब भी आदमी लोगों को जबरदस्ती हता हता के बीच से जाएगा, पूरा ब्लॉक कर देगा। और ज्यादा ऐसा वाला हीरो लोग भी निकलता है बीच बीच में एक दो बार, अच्छा नहीं लगता है। लोग जाने का जगह नहीं होके पूरा रुक के बैठा होता है, फंस के बैठा होता है, वो पीछे से पे मार के सबको आतो और के दादा मारेगा, जगह नहीं होने देके भी जबरदस्ती करके चला जाएगा वहां से, और ट्रैफिक जाम करा के चला जाएगा। वाह मोदी जी,
लोग बोल रहे पूरा लोग अभी अभी तो कंप्लेन कर रहे हैं लोग, ये ऐसा है वो ऐसा है, इसको ये नहीं वो नहीं, पर इलेक्शन आने से ये सब भूल जाएगा सब ना पैसा को देख के, जैसे कि हुआ है हो चुका है लास्ट टाइम भी कितना, जब पीआरसी इशू हुआ था, पीआरसी इशू होते समय बीजेपी को इतना टेंशन था पूरा अरुणाचल का लोग, ये बार तो बीजेपी को नहीं होगा ये वो बोला है, लेकिन जब इलेक्शन आ गया बीजेपी वाला लोग पैसा देना शुरू हुआ, डायरेक्ट मूड चेंज, अपने आप को बदल दिया सीधा। उसके बाद जब अभी रास्ता वस्ता कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, तब जाके हल्ला करते हैं, ये नहीं वो नहीं है वो नहीं है, सही लीडर चुनेगा तभी तो कुछ होगा अच्छा। पैसा लेगा, स्कॉर्पियो चाहिए, ऐसा नहीं होता है। चलो अगर पैसा पैसा का जरूरी है बहुत, पैसा बात ही रहे, सब कैंडिडेट बात रहे पैसा ले लो, इतना दे ही रहे तो पैसा लो, लेकिन बहुत सही जगह मारो, किसी को पता नहीं चलेगा वाह कौन किसको वोट दिए, बस अपना सही वाला लीडर को चुन के वोट मार देना है, पैसा जिससे भी लो। उसके बाद ऐसा अगर सब हर कोई अगर ऐसा करता है आने से, जो लीडर पॉलिटिक्स लीडर लोग हैं वो लोग को पैसा देने का जरूरी नहीं पड़ जाएगा, मत देना भी बेकार हो जाएगा, क्योंकि पैसा लेके भी लोग जिसको अच्छा लीडर लगते है उसको ही वोट दे रहे हैं, ऐसा होने से वो लोग भी पैसा देना बंद कर देगा, क्योंकि देखे लाभ नहीं होगा, अच्छा काम करना शुरू कर देगा तब ना, क्योंकि अपना अच्छा वाला अचीवमेंट का तरफ से मिल रहा होगा वो समय वोट, पैसा से होके नहीं। अब पैसा मांगते है आदमी, पब्लिक का भी गलती है, कितना ऐसा घर में इतना 5-6 फैमिली मेंबर है, इतना लैक्स वैक्स मांगेगा, इतना ज्यादा जो कैंडिडेट है वो इतना ज्यादा पैसा खर्चा कर देता है अपना, कि अभी उसको जब वो पोस्ट में आ गया तो वो पैसा को उसको रिकवर करना है, उसका वजह से ये सब रास्ता ये सब कचरा देखो ये सब होता है। नहीं सुधरेगा अरुणाचल, जगह जगह में कचरा है पूरा, बिहार का साथ कंपटीशन चल रहा है सुना था पहले, ये के लिए कचरा सबसे गंदा प्लेस में आने के लिए कंट्री का। अभी यहाँ से सब एग्जाम दे के निकल रहे हैं बाहर, ये देखो और एक पहाड़ बीचों बीच, ये है अरुणाचल स्टेट। ये रास्ता लोगों का वजह से इतना ना अमीर आदमी को परेशान नहीं होते ज्यादा ना, गाड़ी वाड़ी अच्छा अच्छा होता है, जो गरीब वरीब होते हैं लड़की वर्की वो लोग होते हैं स्कूटी में होते हैं बाइक में होते हैं कीचड़ में गिर जाते हैं, अच्छा नहीं होता है। और साथ में जो गाड़ी वाला है वो कभी भी मतलब आगे कीचड़ है कीचड़ का साइड में आदमी खड़ा है तो भी हल्का से भी वो अपना ब्रेक का ऊपर ब्रेक पेडल का ऊपर अपना पाव को हल्का से भी नहीं छूते हैं, उल्टा और जोर से एक्सीलेटर मार के चला जाता है कीचड़ फेंक के जाता है, जैसे कि वो लोग बड़ा गाड़ी पकड़ा हुआ है तो जो पैदल चल रहा है जो बाइक स्कूटी में चल रहा है वो तो मतलब इंसान ही नहीं है, ऐसा करता है इतना खराब से कीचड़ फेंक के चला जाता है, थोड़ा माया भी लग देना है कम से कम, साफ सुथरा से आदमी लोग कहीं कुछ काम वाम में जा रहा होता है कभी पूरा गाड़ी कीचड़ फेंक देता है। और अब ये कीचड़ तो गवर्नमेंट का गलती है जो यहाँ में आने दे रहे रास्ता का बीच में इतना सा, ये सब देखो पूरा ये नार लगन,
लोग पूरा इतना बड़ा बड़ा गद्दा है कि गद्दा को बचाने का चक्कर में पूरा देखो कहाँ कहाँ से जाना पड़ता है, और साथ में कितना टक्कर वक्कर होने वाला होता है। बाइक स्कूटी स्लिप मारते हैं, किचड़ में फंसते हैं। पता नहीं ये रास्ता लोगों जो हम लोग का लीडर लोग यूज करते हैं ना नहीं करते हैं, कि वो लोगों को दिखाई नहीं देते रास्ता थोड़ा ये करना है। लेखी वाला रास्ता तो वैसे बहुत बहुत साल से खराब है वो रास्ता। बीच बीच में क्या करता है मेंटेनेंस करके मिट्टी उठा के मिट्टी डाल देते गद्दा में, और वो मिट्टी लोग ही है अभी पूरा वहां में कीचड़ बन के पहाड़ बन के चौथा चौथा पहाड़ बन के बढ़ती स्पीड ब्रेकर चौथा चौथा स्पीड ब्रेकर बढ़ती बन के है वहां में। वही है जो मेंटेन करने के लिए कीचड़ उठा के लेके आए ना बालू मिट्टी उत्ती लेके आके, पैसा तो लिया होगा बहुत ज्यादा मेंटेनेंस करने के लिए, लेकिन डाला है अपना घर का पीछे टॉयलेट का साइड से गद्दा खोद के मिट्टी लेके आके डाल दिया। ये भी रास्ता भी कैसा है देखो, यहाँ भी गद्दा। यहाँ पर सब्जी वब्जी बिक्री हो रहा है, पता नहीं कौन लोग है जो हमारा स्टेट को डेवलप होने नहीं दे रहा, पता नहीं कौन लोग है वो। जो स्टेट को डेवलप करने का जगह में अपना घर को डेवलप करा रहे, अपना गाड़ी डेवलप करा रहे। करप्शन बहुत चलता है और पेवर सिस्टम बहुत चलता है यहाँ पे। यहाँ भी देखो छोटा छोटा पुखरी तो बहुत सारा है अरुणाचल में कैपिटल में। गर्मी भी बहुत है तो। बस ये जो बनाया है फ्लाईओवर ये भी पैसा खाने के लिए बनाया है, कुछ यूज नहीं है, बस ऊपर शायद कचरा रखने के लिए यूज करता है क्या, नहीं तो पैसा खाने के लिए बनाया है। कितना सारा पैसा खाया होगा बस ऐसा ही बना के रख दिया। ईटानगर का को तो तोड़ दिया और यहाँ भी गट पे पुखरी देख सकते हैं आप, पुखरी यहाँ पे पुखरी पुखरी है जहाँ का। ये इतना खतरनाक गद्दा है, पूरा हिल हिल के पूरा बदन का अंदर का पुर्जा पूरा इधर उधर हो गया। पर भी नहीं
यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे मिला के जा रहे गाड़ी लोग सब। अरुणाचल वासी हो तो वैसे ऑफ रोड में बहुत एक्सपर्ट होगा। अभी हम लोग का जो यहाँ है मेन रोड ही है, ऑफ रोड ही है वो मेन रोड ही। ये लो